हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। जनवरी के महीना बहुत ठंड है, दिल्ली में तो 4 डिग्री 2 डिग्री है रात तक। आइए चार्जर को बोला के मोस्ट वेलकम माई डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई विश आप लोग अच्छे रहिए। और गर्मी भी हम लोग झेलते हैं तो ठंडी भी तो हमें झेलना पड़ेगा ना, है ना। और ये देखिए हम जा रहे हैं गार्डन ऑफ फाइव सेंस की तरफ, ये गार्डन ऑफ फाइव सेंस की तरफ जा रहे हैं। और देखिए गार्डन ऑफ फाइव सेंस, ये सामने यहाँ पर दो चाय के शॉप है और चाय बिस्कुट कॉफी सब मिलता है। ऑटो वाला भी साइड में घूमते रहते हैं बैठे हुए। और बीच में जो हमने अंदर का गार्डन ऑफ फाइव सेंस अपने देखना पड़े, पहले का वीडियो है गार्डन ऑफ फाइव सेंस का, मैंने वीडियो बनाया अंदर का है। और ये बाहर का एरिया है जो कि आपको सारे लड़का लड़की सब मिलेगा देखने को। देखिए सारे कोई ओकेशन है यहाँ पे, ओकेशन तो होते रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ होते रहते हैं, कोई एग्जीबिशन होता है, कुछ ना कुछ होते रहता है हमेशा। पिछले साल तो फ्लावर एग्जीबिशन था, बहुत बड़ा फ्लावर मिला था पेड़ पौधा का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो कोई बात नहीं, इस बार देखिए मैं बाहर से वीडियो बनाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि अंदर अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ये गार्डन फाइव सेंस का फ्रंट साइड है और बहुत अच्छा लगता है हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट, बहुत सुंदर है। और मैक्सिमम फैमिली वाले कम आते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं वो लोग और इन्जॉय करते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत है अंदर तो, बहुत सुंदर है, बहुत सुकून मिलेगा, किसी का दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। अगर एक बार आ जाए घूम जाए ना, उसका ज़िंदगी बदल जाएगा, मन लगेगा है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और मैं एक सिर्फ गार्डन ऑफ फाइव सेंस का एरिया ही दिखाऊंगी, यहाँ से आया मैंने आज जाते वक्त दिखाऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू माय डियर।
ये बहुत बड़ा एक फील्ड है, यहाँ पे बच्चे लोग खेलता है, क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े सब खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और आगे भी उस साइड में इसके पीछे से मैंने अब देखा है वो जिसका गांव है, हॉर्स गांव, घोड़ा लोगों का गांव है, गांव बसा हुआ है, जो लोग सब्जी बेचते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा एरिया है, खुला एरिया है, सब दूर दूर से बच्चे लोग आते हैं यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। बस छोटे से सुबह से गर्मी के टाइम में सारा दिन क्रिकेट चलता है यहाँ पर और सब बहुत इंजॉय करते हैं। इसीलिए खुला एरिया है ना, आसपास बहुत बड़ा लोकेशन है, गार्डन है और खुला एरिया है, सामने फॉरेस्ट है, पीछे गार्डन ऑफ हर्सेंस है, तो यहाँ सार्वजनिक टॉयलेट भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय। सामने इंडियन हैंडलूम है, इसके सामने गणेश शिव जी नाचते हुए गणेश जी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माय डियर।